Dear students, hope you will be fine. Let's start history class. और आज मुगल साम्राज्य में औरंगजेब की बात करेंगे. लगभग एक घंटा पूरा औरंगजेब लेगा, नो डाउट, पर समाप्त भी आज हो जाएगा. ठीक है, वैसे भी मुगल साम्राज्य के पतन का आरंभ औरंगजेब के समय से होता है और औरंगजेब का इतिहास में हम किस प्रकार से अध्ययन करें कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो औरंगजेब रिलेटेड है सॉल्व हो जाए, इस ख्याल से हम औरंगजेब को पढ़ेंगे. तो चलिए, औरंगजेब का जो सबसे पहले बात होती है कि औरंगजेब जब राज गद्दी पर बैठा तो किस नाम से बैठा, क्या उसका नाम था और पूरा नाम क्या था. तो औरंगजेब का पूरा नाम यह है, औरंगजेब का पूरा नाम अबुल मुजफ्फर मुइद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर फर्स्ट, ये उसका पूरा नाम है जब गद्दी पर बैठा, राज अभिषेक हुआ. वैसे हम और आप क्या कहते हैं, औरंगजेब आलमगीर फर्स्ट ये भी कहते हैं, और भी शॉर्ट में कहते तो औरंगजेब कहते हैं. ठीक है, औरंगजेब उसका नाम था राज अभिषेक से पहले. जब गद्दी पर बैठा तो ये पूरा नाम धारण किया, खास करके आलमगीर ये कहलाएगा. और फर्स्ट का जो सवाल है वह तो इतिहासकार ने उसमें जोड़ दिया है, क्योंकि आगे भी एक आलमगीर है तो उसको हम आलमगीर सेकंड कहेंगे. ठीक है, तो ये आलमगीर फर्स्ट, वो होगा सेकंड. तो ये है आपका पूरा, अबुल मुजफ्फर मुइद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर फर्स्ट. अब ये नाम हम देख रहे हैं, अब इस नाम के तहत जो भी है, चलिए अब शुरुआत करें हम एक व्यवस्था. जैसा कि सर्वविदित है, शाहजहां आखिरी क्षणों में बीमार रहने लगा तो उसने अपने उत्तराधिकारी का ऐलान किया, डिक्लेरेशन, और अपने सक्सेसर के तौर पर उसने अपने सबसे बड़े पुत्र दारा शिकोह को उत्तराधिकारी घोषित किया. इस बात को लेकर के नागवार गुजरा औरंगजेब पर, क्योंकि सारी लड़ाइयां औरंगजेब लड़ा. जितने भी बैड वर्क थे जनता की नजर में, वो जितना बुरा हो सकता था वो औरंगजेब था, बिल्कुल वैसे ही जैसे अशोक था बिंदुसार के तौर पे, बेटे के तौर पे अशोक, और बिंदुसार ने सुसीम को उत्तराधिकारी घोषित किया तो अशोक को बुरा लगा. ठीक वही पैटर्न यहां है, सारी ताकत सारी श्रेष्ठता प्रशासन के गुण ये सब कहां, किसके में, औरंगजेब में, और दारा शिकोह उत्तराधिकारी. अगर दारा शिकोह बादशाह बन पाता तो डेफिनेटली भारत का इतिहास लेटर मुगल सेंस में कुछ और होता. औरंगजेब को पूरे मुल्ला वर्ग का समर्थन प्राप्त था, जितने कट्टर मुसलमान उस वक्त में थे उनका समर्थन प्राप्त था, और औरंगजेब उस वक्त औरंगाबाद दक्षिण भारत में दक्षिणी प्रांत का गवर्नर था. वह वहां से भागा भागा आया और अपने मुल्ला वर्ग के समर्थन से और अपनी फौज के दम पर आगरा के लाल किले को घेर लिया, रशद पानी के सप्लाई लाइन को काट दिया. शाहजहां झुका और ये मुगलों के तौर पर देखे तो प्रवेश किया और अपने पिता को हाउस अरेस्ट करके मुसम्मन बुर्ज में डाल दिया और गद्दी पर बैठा. 15 मई के संदर्भ में, तो याद रखना है 21 जुलाई 1658 को आगरा में औरंगजेब ने अपना राज अभिषेक करवाया. मैंने क्या कहा, आगरा में, ठीक है, जुलाई में 21 जुलाई को अपना राज अभिषेक करवाया. कब, 1658 में, और ये नाम रखा धर्म देवराय सामूगढ़ के युद्ध के बाद,
जब दारा शिको की हत्या कर दी तब। और फिर अगले साल 15th of May 1659 को दिल्ली के शाहजहानाबाद सेकेंड कैपिटल में भी अपना राज अभिषेक करवाया। देर इज ए सिंगल मुगल बादशाह हैज टू टाइम कोरोनेशन, वन एट आगरा इन 1658, सेकेंड एट शाहजहानाबाद 1659। ये ध्यान में रखना है, दो बार राज अभिषेक किस मुगल बादशाह का हुआ तो ये बताएंगे। तो चलिए, तो एकमात्र मुगल बादशाह जिसका राज अभिषेक दो बार होता है यही है। अब जब चारों भाई दारा शिको, मुराद, सूजा और औरंगजेब में युद्ध के लिए संघर्ष हुआ, उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष हुआ, इसे वॉर ऑफ सक्सेसर कहते हैं। उस समय में किसकी क्या परिस्थिति थी उसको समझिए। तो जो सूजा है वह बिहार और बंगाल का गवर्नरशिप है उसके पास, तो बिहार और बंगाल का गवर्नरशिप उसके पास है, दैट इज ए ग्रेट पावरफुल सिचुएशन। दारा शिको काबुल और पंजाब का गवर्नर था, पंजाब और काबुल का गवर्नर। औरंगजेब दक्षिण भारत का गवर्नर था और मुराद को गुजरात मिला था, वह गुजरात का गवर्नर था। तो दारा शिको पश्चिमोत्तर भारत में, पश्चिम भारत में, मुराद, शूजा पूर्वी भारत में और औरंगजेब दक्षिण। तो याद, दारा शिको उत्तर पश्चिम, औरंगजेब दक्षिण, सूजा ठीक है पूरब और मुराद पश्चिम। ये था राज्य का बंटवारा गवर्नरशिप के तौर पर। दारा शिको के पक्ष में जयपुर के राजा राजा जयसिंह थे और जोधपुर के राजा जसवंत सिंह थे। तो जसवंत सिंह और जयसिंह ये दोनों ने दारा शिको को सपोर्ट किया। अब एक युद्ध हुआ, द बैटल ऑफ धर्मत, धर्मत नामक स्थान पर युद्ध हुआ। इस युद्ध में एक तरफ औरंगजेब है और दूसरी तरफ हम देखते हैं दारा शिको और मुराद है। याद रहे ये युद्ध होता है, फिर मुराद मारा जाएगा। अगला युद्ध होता है सामूगढ़ का युद्ध, द बैटल ऑफ सामूगढ़। तो एक तरफ औरंगजेब है और दूसरी तरफ दारा शिको। इस युद्ध में चलता है पर दारा शिको अभी भी बचा हुआ है। मुराद की हत्या हो जाती है, वो बाद में देखेंगे 1661 में। अब अगला है द बैटल ऑफ देवरई, देवरई का युद्ध ये होता है और इसमें दारा शिको वर्सेस औरंगजेब, और दारा शिको का कत्ल करता है अपने बड़े भाई का औरंगजेब और उसके सिर को भाले में घोंप करके हाथी पर बैठा के पूरे बाजार में घुमाया जाता है भय डर पैदा करने के लिए। ये ध्यान में रखिएगा, जो हमारे वेस्टर्न सिविलाइजेशन में आज के डेट में बगदादी जो काम करता है, दिखा करके हत्या करता है डर पैदा करने की। आप कुर्बानी देते हैं, कुर्बानी दीजिए, पर इतने बड़े बड़े जानवरों को कुर्बानी के नाम पर सरेआम उसका वीडियो बना करके गला रेतते हुए, ऊंट हो, भैंस हो, गाय हो, ये उचित नहीं है। इवन अपने छोटे छोटे बच्चों को भी सामने लाते हैं, साहस का खेल दिखाते हैं कि देखो ठीक है, लेकिन एक हद तक अगर सोचा जाए बड़े लेवल पर तो ये ठीक नहीं है। पर चलिए, सबकी अपनी धार्मिकता है, देखते हैं कब तक क्या होता है। तो याद रखने की चीज है। तो बगदादी भी देखते हैं, सामने रहता है, वीडियो जारी करता है, दिखाता है डर भय पैदा करना, सब अपने अपने स्तर पर भय पैदा करता है। याद रखना है, भय बिनु होत न प्रीत। चलिए संदर्भ को छोड़िए, आप बताइए, देवरई के युद्ध में औरंगजेब ने हत्या कर दी अपने भाई
दारा शिकोह की, और तब जाकर के गद्दी पर नशी हुआ, गद्दी नशीन हुआ। औरंगजेब का हम देखें तो 1618 में इसका जन्म होता है, और जरा देखिए कि 1707 में मरता है 3 मार्च को। इस तरह से अगर देखा जाए तो 85 इयर्स प्लस वो जिंदा रहा, सॉरी 7 में ना, तो ये 88 इयर्स जिंदा रहा, 88 साल मायने रखता है। अब आइए हम देखते हैं, 3 नवंबर को उज्जैन में औरंगजेब का जन्म होता है, और इसका बचपन नूर जहां के संरक्षण में बीता। तो औरंगजेब का संरक्षिका एक तरह से नूर जहां थी। अब देखते हैं औरंगजेब की शादी 18 मई 1639 को होती है, 1639 में इसकी शादी होती है, यानी कि आप देखिए तो बिल्कुल 21 वर्ष की उम्र में इसकी शादी होती है। शादी कैसे होती है, तो जब वो औरंगाबाद में दक्षिण भारत के प्रांत का गवर्नर था, ही वॉज फॉलिंग इन लव, प्यार में पड़ा, और ईरानी मूल की एक शहजादी, सिया धर्म की मुस्लिम से मोहब्बत हुई, और फिर शादी हुई, जिसका नाम था रबिया दौरानी। रबिया दौरानी को औरंगजेब ने एक खिताब से नवाजा और नाम दिया दिलराश बानो बेगम। दिलराश बानो बेगम अनटाइमली डेथ कर गई, और उसकी याद में औरंगजेब ने औरंगाबाद में, जो आज महाराष्ट्र में है औरंगाबाद में, एक खूबसूरत स्मारक मकबरा बनाने का प्रयास किया, बिल्कुल ताजमहल के जैसा, पर ताजमहल व्हाइट मार्बल, ये ग्रेनाइट से। इसकी खूबसूरती सब जानते हैं, पर इसकी पत्नी का मकबरा में वो खूबसूरती नहीं आई, पर ताजमहल जैसी प्रतिकृति है, पर वो खूबसूरती नहीं है। ब्लैक टाइल्स ग्रेनाइट से बना है, सो औरंगाबाद स्थित इसकी पत्नी के मकबरा को बीबी का मकबरा कहते हैं, दक्षिण भारत का ताजमहल कहते हैं, ब्लैक ताजमहल, काला ताजमहल कहते हैं। ये मकबरा जो है बीबी का, उसका अनकंप्लीट रह गया, औरंगजेब ने पूरा नहीं किया, अतः इस मकबरे को उसका बड़ा पुत्र बहादुर शाह फर्स्ट ने कंप्लीट किया। हॉट क्वेश्चन है, तो चलिए बीवी बीवी का मकबरा। औरंगजेब एकमात्र ऐसा मुगल बादशाह दिखता है, उन दो को छोड़ दे, जो नाबालिग था और डेथ कर गया, बाकी 15 बादशाह, जिसने मोहब्बत से शादी करी वो अलग बात है, पर पूरी जिंदगी भर अपनी एक ही पत्नी के प्रति वफादार लॉयल रहा, लव मैरिज किया था और अपनी एक पत्नी के प्रति पूरी वफादारी से रहा। यह कभी कोई नशा नहीं किया, न शराब, न अफीम, न डैश डैश डैश, कोई नशा नहीं करता। ही वॉज द मोस्ट स्कॉलर बादशाह, बताया था, एजुकेटेड एट मिशनरी स्कूल, पोर्तुगीज मिशनरी स्कूल दैट ओपन्ड एट लाहौर। ही वॉज ए गुड कैलियोग्राफर एंड इंटरेस्टेड इन पेंटिंग। क्लियर? अब आइए तो हम देखते हैं, ये है इसकी वाइफ से एक प्यारी सी बिटिया हुई थी, नाम जीनतुल महन कहते थे, तो याद रखिएगा। अब हम देखते हैं इसकी बेटी जो है, उसका भी जिक्र आएगा आगे, लेकिन फिलहाल हम रोकेंगे, तो याद रखिएगा जीनत उल निशा की बात हम करेंगे आगे, बेटी है, बेटा भी होगा, जिक्र आगे होगा। हमें औरंगजेब की पर्सनल बातों पर ध्यान देना है, जो सवाल है। वैसे मुगल साम्राज्य के पतन का आरंभ औरंगजेब की गलत नीतियों से है, और औरंगजेब के समय से, पर औरंगजेब के समय में ही मुगल साम्राज्य का मैक्सिमम एक्सटेंशन हुआ टेरिटोरियल, ठीक है। मुगलों की आखिरी विजय
जो कर्नाटक के और तमिलनाडु के बॉर्डर पर एक जगह था जिंजी, वही उसकी आखिरी विजय थी मुगलों की। उसके बाद पतन ही हुआ, जो औरंगजेब के समय का है। औरंगजेब शक्की मिजाज का था, जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करता था। औरंगजेब के समय में जितने भी ऑफिसर्स सो कॉल्ड मनसबदार थे, उसमें 33% मनसबदार प्लस हिंदू थे, और लास्ट टाइम में आते आते 45% मनसबदार हिंदू थे। यह ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार किस मुगल बादशाह के समय में थे? योर आंसर विल बी यू हैव टू टिक्ट ऑन औरंगजेब आलमगीर फर्स्ट, 45%। ठीक है, अब आइए पर्सनली, ये संगीतज्ञ म्यूजिशियन था और वीणा बजाता था। ही वॉज वीणा मैस्ट्रो, वीणा वादक था, तो म्यूजिशियन हो गया। सेकेंडली, बाद में चल करके जब इसे पैसे की दिक्कत होगी और दरबार में जो संगीत वाद्य यंत्र सब बजाने वाले संगीतज्ञ होंगे जिनकी तनख्वाहें जा रही हैं और पैसे की दिक्कत होगी, COVID-19 जैसी सिचुएशन होगी, नोटबंदी वाला सिचुएशन आएगा, यानी पैसे की दिक्कत, युद्ध में ज्यादा जा रहा है पैसा, तो ये ना तो फुर्सत है कि इन दरबारी संगीत का आनंद ले और ना इतना पैसा है कि इन लोगों का वेतन देते रहे। तो इसने एक सर्कुलर निकाला और कहा कि दरबारी संगीत को बंद किया जाता है, प्रतिबंधित किया जाता है, और इस्लाम में संगीत प्रतिबंधित है। लेकिन मामला इकोनॉमिक था, इकोनॉमिक पुअरनेस, और उसने कहा, औरंगजेब ने, संगीत के जनाजे को इतना गहरे दफनाओ कि इसकी प्रतिध्वनि भी सुनाई ना दे। समझ में आई बात? तो ये स्टेटमेंट किसका है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, औरंगजेब का है, म्यूजिक के लिए, संगीत। तो इसने दरबारी संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर अगर कोई संगीत करता है, गाता है, बजाता है, फ्री में सुनाता है, दरबार लगाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट लगाओ। पर्सनली जिसको भी संगीत करनी है करे, वो खुद भी तो संगीतज्ञ है। तो ये चीज है। अब अगले पॉइंट पर आइए, ठीक है, अब अगले पॉइंट पर नजर डालिए। अगला पॉइंट क्या कहता है? वह खुद बड़ा ही वफादार ईमानदार राज के प्रति था। वह अपने निजी खर्चों के लिए राज्य के खजाने से धन नहीं लेता था, बल्कि कुरान की आयतों को सुलेखन में लिखकर इसे जामा मस्जिद के सामने बिकवाता था जुम्मे के रोज। उससे जो इनकम आता, उससे अपना खर्च चलाता। ना सिर्फ कुरान की आयतों को सुलेखन में लिखता, बिकॉज ही वॉज ए ग्रेट कैलियोग्राफर, इवन दो वह नमाज के वक्त टोपी जो पहनी जाती थी, उस टोपियों को भी सिलता था अपने हैंडमेड, और वो भी बिकवाता था। तो वह कौन मुगल बादशाह था जो अपने निजी खर्चे चलाने के लिए खजाने से धन ना लेकर टोपियां सिलता और कुरान की आयतों को सुलेखन में लिखकर बिकवाता, उसके पैसे से अपने खर्च चलाता? औरंगजेब है। इस ख्याल से शख्स को कहा गया है, जिंदा पीर बादशाह के भेष में फकीर। जिंदा पीर मतलब साधु संत की तरह रहता है और फकीर के अंदाज में रहता है, ये मतलब। बहुत खूब, अब अगले पॉइंट पर आइए। इसके दरबार में एक हजाम यानी नाई आया और उसने एक वाद यंत्र बनाकर लाया, जिसे उस जमाने में और आज भी कहते हैं पुंगी, और वैसे भी लोग कहते हैं पुंगी बजा देंगे, यानी युद्ध नगारे। तो पुंगी बनाकर लाया,
पुंगी बजान कर दिया कि औरंगजेब को कि मैंने एक नए वाद्य यंत्र म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाया है। तो पुंगी में क्या होता है, लंग्स पे बहुत दबाव पड़ता है हवा डालने पर बजाने पर। औरंगजेब ने कुछ उसमें थोड़े बहुत परिवर्तन किए जिससे आसान हो गया बजाना और उसे एक नया नाम मिला, शहनाई। शाह मतलब राजा, नाई का मतलब वो नाई। दोनों ने मिलकर जो वाद्य यंत्र बनाया उसका नाम पड़ा शहनाई, जो शादियों में अक्सर बजता है, बिस्मिल्ला खां से जो जाना जाता है। शहनाई जो भी थी पर जब शहनाई बिस्मिल्ला खां के होठों पर आई तो दुनिया ने ताली बजाया कि हाँ ये है शहनाई। तो याद रखिएगा, वाद्य यंत्र हो ठीक है पर कभी कभी किसी व्यक्ति विशेष की वजह से उसकी पहचान पॉपुलैरिटी हो जाती है। गजल तो सब गाए, मेहदी हसन से लेकर के डैश डैश गाए, गुलाम अली गाए, पर आम जनता तक जिसने गजल को सराबोर कर दिया, लोगों की जुबान पर गजल चढ़ गया, उस व्यक्ति का नाम है पंकज उधास। तो ये बात है। तो ये है हमारे बिस्मिल्ला खान। तात्पर्य यह है, शहनाई का आविष्कार औरंगजेब और एक नाई ने मिलकर किया, ये भी आप समझ गए। अब आइए, औरंगजेब को कुछ धार्मिक कारण और कुछ आर्थिक कारण से कई चीजों को प्रतिबंधित कर दिया। सबसे पहले तो देखिए, पैसे की कमी से जितने भी सोने के बर्तन वगैरह, चम्मच वगैरह, कुछ गहने या कुछ ऐसी चीजें थी जिसको उसको करेंसी में ढाल दिया, मिंटिंग करेंसी। चांदी के बर्तन को भी जो है चीनी मिट्टी के बर्तन में बना दिया और चांदी को लेकर के सिक्के ढाल दिया, तो सोने चांदी के सिक्के ढाला। इन तमाम चीजों को, जो चांदी की रेलिंग थी वहां लोहे की रेलिंग लगा दिया, चांदी को निकाल करके सब युद्ध में झोंक दिया, ये किया। अब देखें हम अकबर के समय में तुलादान की प्रथा थी। एक तरफ बादशाह या राजकुमार शहजादे बैठ जाते और उसके बराबर वजन का धन गरीबों में बांट दिया जाता या दरबारियों में बांट दिया जाता, तुलादान। पैसे नहीं है, कहा प्रतिबंध है, तुलादान को प्रतिबंध लगाया। दूसरा और क्या किया, झरोखा दर्शन जिसे जहांगीर ने शुरुआत करी उसे इसने बंद कर दिया। सुबह सुबह राजा एक समय विशेष पर अपने महल के झरोखे में आकर बैठ जाते, जिससे आने जाने वाले जो खासकर उनके दर्शन के लिए आते उनके दर्शन हो जाते। तो ये चीज है, तो झरोखा दर्शन बंद कर दिया। फिर देखते हैं जायचा नामा, यानी हिंदुओं के संदर्भ में जो जन्मपत्री बनती थी, मुगल बच्चों के भी बनती थी, उन जन्मपत्रियों को जायचा नामा कहते, उसे बनवाना बंद कर दिया। सिक्कों पर अकबर के समय में कलमा खुदवाया जाता, अल्लाह की इबादत में प्रशंसा में कुछ बातें। इसने कहा सिक्के तो कहीं भी गिर जाते हैं, किसी के पांव के नीचे आ जाते हैं, हमारे अल्लाह तो इतने बेगैरत नहीं है कि किसी के पांव के नीचे आ जाए, गंदगी में गिर जाए। तो सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया। समझ में आई बात, जो अकबर ने शुरुआत की थी। अब आइए, इस शख्स ने जो भांग की खेती होती थी, भांग के उत्पादन को प्रतिबंधित कर दिया। भांग जो खाते हैं, नशा का चीज। इस शख्स को हम देखते हैं जजिया नाम का टैक्स जो इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत में लगाया, फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर लगाया, अकबर ने जिसे 1564 में खत्म किया, औरंगजेब ने दोबारा उसे 1679 में रीइंट्रोड्यूस किया। तो जजिया को किसने पुनः लगाया मुगल बादशाह, औरंगजेब ने। कब लगाया, 1679 में। तो ये याद रखिए, नए हिसाब का आदमी था, सब कुछ चेंज कर रहा था, ये ध्यान रखना। तो ये सब तो आपने देखा। अब है 1687 और 88 में इसने गोलकुंडा और अहमदनगर को जीती और उसके बाद जिंजी विजय करके आखिरी विजय मुगलों का इसने हासिल किया।
इसके समय में नारनौल हरियाणा के सतनामी संप्रदाय के जो किसान थे, जो एक सतनामी पंथ के चीजों को अपनाया था पर थे किसान, और किसानी समस्या प्रबल हो जाने की वजह से हम देखते हैं भूरासव वसूलने के लिए वहां के लोकल जमींदार जो ऑलरेडी औरंगजेब के अंडर के थे, टैक्स वसूलने गया माल गुजारी खलिहान में। इस सिपाही ने किसान को डंडा चला दिया, किसान मर गया, सभी किसान मिल करके उस सिपाही को मार दिए। जमींदार ने अपनी फौज भेजी, पूरा गांव पलट लिया। जमींदार को सहायता करने के लिए औरंगजेब की एक सेना टुकड़ी आई, पूरा गांव सतनामी एक होकर लड़े, और इस सतनामी विद्रोह के नाम से इसे जाना गया। और सतनामी विद्रोह की तुलना महाभारत से की जाती है नैतिकता के प्रश्न पर, ऑन द ग्राउंड ऑफ मोरालिटी इट्स कंपेयर विद महाभारत, सतनामी विद्रोह। औरंगजेब के समय चार विद्रोह हुए, एक सतनामी, दूसरे पर बात करें। दूसरा विद्रोह किसका हुआ? जाट का विद्रोह हुआ। तिलपत नाम के जाट जमींदार थे, किसानी समस्या थी, वही भूरासव का मामला था। इन सभी ने मिलकर के 1680 के आसपास 1673 से स्टार्ट कर दिया, विद्रोह कर दिया। समय के साथ चूरामन भी जुड़ गए, और फिर गोकुला जाट ने सिकंदरा, आगरा के सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे को लूट लिया, और अकबर की जो लाश दफन थी जैसी भी अवस्था में थी, सड़ी गली जिसमें, कहते उसको खोद के बाहर फेंक दिया, जो हड्डी वड्डी रही होगी। तो ये भी हुआ। पूछता है किस जाट नेता ने अकबर के सिकंदरा स्थित मकबरा को लूटा? गोकुला ने। तिलपत, चूरामन, गोकुला, ये सब जाट नेता थे, किसानी समस्या थी। तो दो विद्रोह हुए। तीसरा विद्रोह, गौर फरमाइएगा, औरंगजेब का एक बेटा का नाम अकबर था, और अकबर ने विद्रोह कर दिया था अपने पिता के खिलाफ, और उसे समर्थन मिला था सिखों के नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर से, आशीर्वाद भी मिला और 3000 रुपए भी सपोर्ट में मिले। इसने अपने पुत्र अकबर को देश निकाला दे दिया, और वो ईरान फारस में जाकर बस गया। पर इस सिख नेता गुरु तेग बहादुर को उसने सबक सिखाना चाहा, क्योंकि पैरलर गवर्नमेंट चल रही थी, वो भी अब एक शासक की तरह रहते, पूरे सैनिक लश्कर के साथ रहते, जगह जगह से अपने पैरलर टैक्स वसूलते, और एक ताकत बन चुके थे। आनंदपुर साहिब की स्थापना हो चुकी थी, सैनिक तानाशाही राजा के अंदाज में ये रहते थे, तो स्वाभाविक एक पैरलर गवर्नमेंट चल पड़ी थी। औरंगजेब को बर्दाश्त नहीं, औरंगजेब ने उन्हें पकड़ लिया, और चांदनी चौक में उन्हें शरेआम बेइज्जती करने के ख्याल से ये कहा गया कि सुनते हैं तुम चमत्कारी हो, चमत्कार दिखाते हो, हमें भी दिखाओ। तो याद रहे गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी गई, हत्या करके गला को, गला काट के सिर जहां फेंक दिया, आज वहां शीशगंज गुरुद्वारा है चांदनी चौक वाले रोड पे, और जहां बाकी शरीर फेंक दिया वहां पर आज रकाबगंज गुरुद्वारा है, शीशगंज रकाबगंज दिल्ली चांदनी चौक कनॉट प्लेस के आसपास दोनों है, और ये बात 1675 में हुई, तो सिख विद्रोह की शुरुआत हुई। तो ये कहते अब आइए मराठा विद्रोह भी हुआ, चौथा विद्रोह। मराठा विद्रोह का संदर्भ, शिवाजी जो था, जो थे छत्रपति शिवाजी, उन्होंने औरंगजेब के यानी मुगलों के 35 किलों को जीत लिया, जो सीमाई प्रदेशों में छोटे छोटे किले होते थे, जो 3-4-5-8-10 किलोमीटर पर छोटे छोटे गढ़ी होती, फोर्ट्रेस होता, जिसमें आप 4,000-5,000-10,000 फौज को रखते थे, तोप रखा जाता चौकी के तौर पे, आउटपोस्ट।
तो ऐसे 35 किलो को जीत लिया और बढ़ती हुई ताकत थे। औरंगजेब शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहता, पहाड़ी चूहा, माउंटेन माउस, भूमिया कहता, जमींदार कहता, राजा नहीं मानता और शक्ति से निपटना चाहता था। जय सिंह ने कहा कि इसे हम प्यार से टैकल करें। वो एक बढ़ती हुई ताकत है शिवाजी, उसकी शक्ति का इस्तेमाल दक्षिण के प्रसार में करें तो बेहतर होगा। तो औरंगजेब ने कहा देखो तुम क्या कर सकते हो, लेकिन जय सिंह से पहले जरी परिस्थितियों को देखिए। शिवाजी जो हैं, पता चला कि 1663 में औरंगजेब ने अपने मामा सेनापति शाइस्ता खान को शिवाजी के दमन के लिए भेजा। परिंदा नामक, परिंदा जगह है महाराष्ट्र में, परिंदा नामक जगह पर शाइस्ता खान पड़ाव डाला और इनको पता चल गया कि ये लड़ाई करेगा। इनका इंफॉर्मेशन सिस्टम बहुत ही ताकतवर था और इन्होंने कहा ये क्या लड़ेगा, हम ही लड़ लेंगे। और शिवाजी ने अटैक कर दिया रात में ही, अनअवेयरनेस थे जनाब, और अटैक कर दिया इन्होंने। और कहते हैं युद्ध में शाइस्ता खान का बेटा मारा गया। शाइस्ता खान भाग निकलने की कोशिश में उसकी तीन उंगलियां काट डाला शिवाजी ने। यह खबर दिल्ली पहुंची औरंगजेब के पास। औरंगजेब को इतना गुस्सा आया कि इसने अपने मामा का ट्रांसफर बंगाल कर दिया। उस टाइम बंगाल बहुत डिस्टर्ब होता था, किसकी मौत कब हो जाए कुछ गारंटी नहीं, नक्सली क्षेत्र जैसा सिचुएशन था। और जब भी कोई बड़े मनसबदारों का ट्रांसफर होता तो उसे राजधानी आकर के ट्रांसफर लेटर लेके जाना होता, पर इन्होंने कहा कि नो नीड टू कम कैपिटल, जस्ट यू हैव टू बी गो एंड टेक चार्ज ऑफ बंगाल। इतना गुस्सा था अपने मामा पे भांजा औरंगजेब का। जय सिंह ने कहा कि नहीं, बढ़ती ताकत है, दोस्ती करेंगे। औरंगजेब ने कहा देखो क्या कर सकते हो। जय सिंह मुगल की तरफ से आए पुरंदर नाम के जगह पर शिवाजी के साथ 1665 में एग्रीमेंट साइन किए। उस एग्रीमेंट के तहत शिवाजी ने मुगलों के जीते हुए 35 किलो में से 23 किले 23 वापस कर दिए, बाकी अपने कब्जे में रखा। थोड़ा बहुत सेंस डेवलप हो जाएगा जब आप तानाजी जो मराठा सैनिक के ऊपर आया जी देवन उसमें देखेंगे। तो अब ध्यान दें, बिल्कुल उसमें जो नागिन तोप दिखाया है वो औरंगजेब का एक शक्तिशाली तोप था जिसका नाम नागिन था, नो डाउट। अब आइए, तो औरंगजेब का एक तोप का नाम क्या है, नागिन, ये याद रखिएगा। अब अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है, तो औरंगजेब जो है उसका संदर्भ ये आया। अब हम देखते हैं, फिर कहा गया कि शिवाजी को राजा की पदवी देंगे, दिलाएंगे, राजधानी चलिए आगरा मिलने के लिए और मनसबदार ऑफिसर भी बनाएंगे और आप अपना शासन करिए, हमारे मुगलों के ऑफिसर भी रहिए। ये बात हुई, शिवाजी ने कहा ठीक है। अब शिवाजी जय सिंह के साथ चले आए आगरा। कोई जश्न की तैयारी चल रही थी, बहुत दिनों के बाद जो है मुलाकात हुई। तब तक वो जय सिंह के महल में, सबके अपने अपने महल होते थे यानी स्टाफ क्वार्टर होता था, वहां रुके थे। औरंगजेब से बातचीत हुई, राजा की उपाधि दी गई शिवाजी को और शिवाजी के साथ उनका प्यारा बेटा शंभाजी भी था। दोनों को 500-500 का मनसबदारी प्रदान की गई। यह शिवाजी को बुरा लगा, एक तो 500 और ऊपर से बाप बेटे को एक ही तराजू में तौल दिया, यह बुरा लगा। और कुछ बकझक हो गई। औरंगजेब ने सिपाहियों से कहा कि इसे पकड़ के कैद करो और बाद में फांसी देने का प्लान। जय सिंह अपने विश्वास पर लेके आया था, बड़ी चालाकी से इन्होंने इनको, शिवाजी को निकाल दिया मुगल कैद से और वो निकल के आ गए। याद रहे शिवाजी ने पुरंदर की संधि से पहले 1664 में
सूरत बंदरगाह को जमकर लूटा, जो मुगलों का बंदरगाह था, और जब कैद से भागे तो फिर 1674 में जमकर लूटा, यानी शिवाजी ने सूरत को दो बार लूटा। ये खूब सवाल आते हैं, तो ये भी क्लियर हो गया। अगले पड़ाव पर आइए। अगला पड़ाव क्या कहता है? शिवाजी की स्वाभाविक मौत हार्ट अटैक से 1680 में हो गया। उसके बाद उसका बेटा बना वही संभाजी 1680 से 1689। संभाजी बाप से भी कुछ आगे निकल गया, काफी ताकतवर सिद्ध हुआ, मुगलों के कई किले अपने जोर पर बनाए रखा। ये बात नागवार गुजरी औरंगजेब को। औरंगजेब ने तय कर दिया कि संभाजी को मारो। उसने फरमान जारी किया कि संभाजी के इतने टुकड़े करना कि चील कौवे भी उसके मांस को चोंच में भर न सके। कयामत। वही हुआ। संभाजी के साले साहब ही पैसे इनाम के लालच में उन्हें एक पर्टिकुलर रास्ते से कहा निकलिए, और वहीं पर घेर लिया गया और अंत लड़ते हुए मारे गए। कहानी 1689 की है। 1689 में कर्नाटक के संगमेश्वर नाम के स्थान पर, जो औरंगजेब की फौज के साथ संभाजी का मुकाबला हुआ, और यहां संभाजी धोखे में पड़ गए और अंत संभाजी की हत्या कर दी गई। संभाजी की पत्नी येशुबाई को और संभाजी के नाबालिग एक वर्षीय दूध मुहे पुत्र को मुगल कैद में आगरा लाया गया। चूंकि बच्चा दूध पी रहा था तो मां का लाना जरूरी था। 3 साल तक मां को बेटे को कैद में रखा एज ए हाउस अरेस्ट, और 3 साल के बाद जब दूध पीने की बात खत्म हो गई तो येशुबायु को मराठों को भेज दिया। और जो संभाजी है वो पलने लगा। औरंगजेब की जो बेटी थी जीनत उल निशा ने इस संभाजी का पालन पोषण की। इस ख्याल से बचपन से तो उसने उसको मां कहा, वो बेटा कहता। औरंगजेब इसे नाती कहता और ये नाना कहता। रिश्ते सभी बन गए पर राजनीति नहीं गई। 18 वर्ष तक कैद में रखा जब तक औरंगजेब जिंदा रहा। जब औरंगजेब 1707 में 3 मार्च को मरेगा और उसका बड़ा बेटा बहादुर शाह गद्दी पर आएगा तो 1707 में ही संभाजी को छोड़ देगा कि जाओ अपना राज मराठा ले लो ताराबाई से लड़के। तो ये याद रखिएगा। तो ये मराठा संघर्ष हुआ। आई वुड लाइक टू बी से जब हम मराठा पढ़ाएंगे तो और भी औरंगजेब के साथ जो घटे की घटना, राजा राम का, ताराबाई का, वो भी पढ़ाएंगे, ठीक है? तो ये ध्यान में रखने की चीज। चलिए, क्योंकि यहां पढ़ा के वहां पढ़ा के रिपीटेशन हो जाएगा। तो ये देखा 4 विद्रोह। अब आइए, औरंगजेब ने अपने साम्राज्य में लोग कुरान शरीफ के तहत, शरीयत के तहत इस्लामिक तौर पर आचरण करे, जिए, नैतिक जिंदगी जिए, मोरल फूल रहे, उसके ख्याल से एक अधिकारी नियुक्त किया जो इस्लाम के लोगों के लिए मोरल लेशन देता और उस पर ऑब्जर्व करता, सुपरवाइज करता, नजर रखता। ऐसे अधिकारी को उसने एक नाम दिया मोहतसिम। तो मोहतसिम नाम का मोरल पॉलिशिंग व्यवस्था किसने स्थापित किया? औरंगजेब। प्राचीन भारत में अशोका दी ग्रेट ने धम्म महामात्र की नियुक्ति की मोरल पॉलिशिंग, धम्म की नीति को देखने के लिए। बस यही चीज है। अब आइए हम देखते हैं कि जिस तरह से औरंगजेब के समय में जो घटनाएं घटी, कंस्ट्रक्शन वर्क पे आई। औरंगजेब के कंस्ट्रक्शन वर्क पे कम, डिस्ट्रक्शन वर्क ज्यादा है। औरंगजेब के समय उसके एक सिपह सलार गवर्नर ने आज के चंडीगढ़ के पास पिंजौर में पिंजौर गार्डन को डेवलप किया, जो बहुत ही खूबसूरत गार्डन है।
मथुरा के केशव मंदिर को तोड़कर इसने जो है वहां मस्जिदें खड़ी की। बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर उसके एक बड़े हिस्से को हथिया कर वहां पर ज्ञान वापी मस्जिद खड़ी की। समझ में आई बात? तो ये तोड़ फोड़ ज्यादा किया। दिल्ली के लाल किले के भीतर कोर्टयार्ड प्रांगण आंगन में एक अपने पर्सनल वर्शिप इबादत के लिए मोती मस्जिद बनाया। एक मोती मस्जिद आगरा में शहर में शाहजहां ने बनाया और दूसरा मोती मस्जिद दिल्ली के लाल किले के भीतर औरंगजेब ने पर्सनल कॉज के लिए बनाया मोती मस्जिद। फतेहपुर सीकरी के जामा मस्जिद के बाहरी दीवारों पर इतने सारे फूल पत्तियां बेल बूटे जानवर इन सब के चित्र थे जो अकबर ने सजाया। इसने कहा कि इस्लाम में चित्र गलत है, सबको प्लास्टर चढ़वा दिया। समझ आई बात? तो ये है औरंगजेब। अब आइए, अब हम बात करें तो औरंगजेब ने जो है आगे के संदर्भ में देखें तो कोई ज्यादा तो नहीं है उसका, लेकिन हाँ एक दो पॉइंट्स हम लिखेंगे। और जिंजी का विजय 1698 में, जो मुगलों की औरंगजेब की भी आखिरी विजय थी। अब देखते हैं गुरु गोविंद सिंह से इसका रिलेशन। एज यू नो दैट औरंगजेब दक्षिण में लड़ता रहा उपद्रवियों से, विद्रोहियों से, पार नहीं पा सका, सारे धन चले गए। मरने के समय 13 करोड़ मात्र खजाने में मुगलों पास पैसे थे, यानी लगभग 2.5 लाख रुपए। और दक्षिण का घाव उसके लिए नासूर साबित हुआ। बुजुर्ग था, लड़ रहा था, सेना की कमी पड़ रही थी, धन की कमी पड़ रही थी। तो इसने 1707 में गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु को पत्र लिखा फारसी भाषा में कि मुझे आपकी मदद चाहिए, अपनी सेना लेकर के आइए दक्षिण भारत औरंगाबाद के पास। गुरु गोविंद सिंह ने रिप्लाई लेटर लिखा और रिप्लाई लेटर को फारसी में ही लिखा, पोयम के स्टाइल में, और भेज दिया। लेकिन चिट्ठी पहुंचने से पहले औरंगजेब की मृत्यु हो गई 3 मार्च 1707। और औरंगाबाद में अलग स्थान पर इसे भी दफना कर मकबरा उसका है, अपनी बीवी के मकबरे से अलग है, अलग एग्जिस्ट करता है। फिर भी गुरु गोविंद सिंह गए, उसके मकबरे पर भी गए, फूलमाला चढ़ाए, और रिप्लाई लेटर जो लिखा था गुरु गोविंद सिंह ने, वो रिप्लाई लेटर को जफरनामा कहते हैं। तो जफरनामा लेटर किसने किसको लिखा? गुरु गोविंद सिंह रिटेन एज ए रिप्लाई लेटर टू औरंगजेब इन पर्शियन लैंग्वेज पोयम वर्ड्स नोन एज जफरनामा। ये लेटर आज भी दिल्ली के नेशनल आर्काइव राष्ट्रीय अभिलेखागार में मौजूद है, रखा हुआ है। पांडुलिपि पीला पड़ चुका, एक शीशे के जार में रखा हुआ है। अगली बात, जब वहां गुरु गोविंद सिंह गए तो वहां एक अफगानी मूल का सेना से, मतलब सैनिक से, बकझक हो गई और उसने चाकू से गुरु गोविंद सिंह को गोद डाला, स्टैब टू डेथ, और उनका प्राण पखेरु उड़ गए। तो वो प्रकाश में विलीन हो गए, यानी डेथ कर गए। 3 अक्टूबर 1708 को गुरु गोविंद सिंह की हत्या एक अफगान सैनिक ने कर दी चाकू मार। जिस जगह पर उनकी हत्या हुई उस जगह पर आज हुजूर साहब गुरुद्वारा है, जैसे सीसगंज गुरुद्वारा। और हुजूर साहब गुरुद्वारा गोदावरी नदी के तट पर नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है। इनका जन्म 1666 में हुआ था पटना साहिब
पटना बिहार में जहां भी गुरुद्वारा है। तो देखा आपने, अब औरंगजेब के संदर्भ में हम बात करें तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये है आपका महत्वपूर्ण बातें औरंगजेब के संदर्भ। अब रही बात कि औरंगजेब के बाद क्या, तो औरंगजेब के बाद उत्तराधिकारी का फिर युद्ध हुआ और उसमें एक बेटा जो था मुअज्जम नोन एज बहादुर शाह फर्स्ट, वो विजयी हुआ और गद्दी नशीन हुआ, जिसे हम लेटर मुगल और मॉडर्न इंडिया के संदर्भ में पढ़ेंगे, पर पढ़ेंगे साथ ही, ठीक है ना। अब अगली कड़ी में समझिए, जो मेरी नेक्स्ट क्लास हिस्ट्री की होगी वहां हम अब पूरे दिल्ली सल्तनत में किस सुल्तान के साथ कौन से वजीर था, इक्का दुक्का सवाल आता है यूपीएससी के लेवल, टीजीटी पीजीटी के लेवल, एसएससी एफएससी में ये सब सवाल नहीं है, नॉट एसएससी नॉट एफएससी आई एम सॉरी एसएससी वगैरह स्तर पे सवाल नहीं है। फिर कुछ मुगल काल के बुक्स हैं उस पर सवाल करें, मुगल काल के पेंटिंग्स और पेंटर आर्टिस्ट के ऊपर कुछ सवाल है वो करें, तो बुक्स आर्टिस्ट के ऊपर सवाल और वजीर के ऊपर सवाल, और इस तरह से हम मुगल के संदर्भ में बात को समाप्त। तो एक दिन पूरा मुगल यानी लेटर मुगल और जो अर्ली मुगल के समय में जो कॉपी किताब है उनके, इन सब से हम फ्री हो जाएंगे। तो एक दिन ये, और उसके बाद आ जाएगा सूफी एंड भक्ति मूवमेंट, वो एक दिन का विषय है सूफी और भक्ति। तो दो दिन, और दो दिन में आप मॉडर्न इंडिया से फ्री हो, सॉरी मिडाइवल इंडिया से फ्री हो जाएंगे और कहानी रह जाएगी मॉडर्न इंडिया, ठीक है। और जैसा मैंने कहा है कि 15 सितंबर तक हिस्ट्री खत्म हो जाएगा, डेफिनेटली खत्म हो जाएगा, और 10-12 तक इंडियन पॉलिटी भी समाप्त हो जाएगी। तो हम 15 सितंबर से दो नए विषय ज्योग्राफी और इकोनॉमी उठा लेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। 5 मिनट हम अर्लियर हैं पर कोई बात नहीं, ध्यान रखेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। फिर हम मिलते हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।